पति की लंबी उम्र की कामना के साथ वट सावित्री की पूजा सुहागिनों ने पूरे साजो श्रृंगार के साथ किया। इस दौरान सुहागिनों ने बांस के पंखे, सूप तथा अन्य बांस से बनी सामग्री वट देवता को अर्पित किया और सुहाग के गीत गाते हुए पति की लंबी उम्र की कामना की। महिला व्रती स्वीटी ने बताया कि सुहागिनों को यह व्रत करना चाहिए। मान्यता है कि पति पत्नी का बंधन मजबूत होता है और पति की उम्र लंबी होती है। वही अनामिका तिवारी ने बताया कि बहुत संतुष्टि मिलती है इस व्रत को करने से। शादी के बाद से लगातार ये व्रत करती हूँ। पति दीर्घायु हो इसी कामना के साथ मैंने वट देवता की पूजा की। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू की रिपोर्ट। महत्ता है पूजा की और क्या कुछ विधि विधान है इसका? हम वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं सर। इसका महत्व यही है कि सभी अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है ये पूजा करके। एक नया जैसा लगता है कि बहुत मतलब प्यार लगता है इसको करने में, क्योंकि घर परिवार सास ससुर सारे जुड़े हुए हैं इससे। और एक कथा है सावित्री की, तो सत्यवान और सावित्री की, जो बचपन में हम लोग पढ़ा था अपने चैप्टर में, तो ये देख के अच्छा लगता है और इसको करने में भी अच्छा लगता है। नहीं, क्या कुछ होता है, क्या कुछ किया जाता है इसमें? जैसे लोग महिलाएं धागा बांध रही हैं, सारे सामान लेके पूजा करते हैं, पंडित को भी देते हैं और अपने लिए भी चढ़ाते हैं। और फेरी लगता है बट जैसे ये जो बट की पूजा जो होती है वो एक अजर अमर वृक्ष है और इसी की कामना करके अपने पति की दीर्घायु होने का। सावित्री अपनी सुहाग की सुरक्षा के लिए मनाते हैं। घर में धन धान की संपत्ति हो, कोई बाधा विघ्न न आए, हमारे सनातन धर्म से यह पूजा की विधि है और हम लोग अपने सुहाग की रक्षा के लिए सदा सुहागन रहने के लिए ये व्रत मनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रचना देवी। हम लोग में कहा जाता है कि अपने हस्बैंड की लंबी आयु, दीर्घायु और हर ग्रह गोचर दूर रहे, इसलिए हम लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं। इसमें सत्यवान और सावित्री की कथा है, जो कहा जाता है कि यमराज से भी अपने हस्बैंड के प्राण को वापस ले आई थी। इस महत्व को हम लोग बहुत समझते हैं और हर साल महिला करते हैं। और अभी जो जिस तरीके का हम लोग में कोरोना वायरस फैला हुआ है समाज में, इस तरीके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के हस्बैंड सुरक्षित रहें, घर में रहिए। आप लोग से भी निवेदन है, जिस तरह हम महिलाओं ने घर में ही वट सावित्री पूजा का आयोजन किया, पूजा किया अपने हस्बैंड की दीर्घायु के लिए, वैसे ही आप लोग भी घर में रहिए और हर व्रत को घर में ही खुशी से मनाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीनका पुरी हुआ। ये वट सावित्री का व्रत है, ये पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है और सावित्री सत्यवान के लिए की थी। और वो यमराज उनका प्राण लेके जाने लगे थे, तो उनके पीछे पीछे गई सत्यवती, तो फिर वो चने के रूप में उनका मतलब प्राण लौटाए थे। इसलिए इसमें चने की महत्व है, मतलब चने से पूजा की जाती है। क्या कुछ प्रक्रिया है व्रत का? व्रत कब किया जाता है, कैसे पारण किया जाता है, कितना भूखा, कैसे व्रत किया? व्रत का हर जगह अलग अलग, कोई मतलब जिस दिन पूजा होता है उस दिन ही व्रत करते हैं, कुछ लोग एक दिन पहले खास करते हैं, हम लोग एक दिन पहले और व्रत करके फिर हम लोग मतलब पारण कर लेते हैं। ये धागा की परंपरा क्या है? धागा बांध के पति पत्नी का बंधन को मजबूत किया जाता है।